तो फाइनली आज हम सभी बात करने वाले हैं डेट शीट के बारे में, जो कि आप जानते हो कि बोर्ड की डेट शीट आ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की डेट शीट के बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या है डेट शीट में, कब कौन सा एग्ज़ाम है। ठीक है, आप अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करते हैं, 4 तारीख से पेपर स्टार्ट होगा इसका, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेन मेन पेपर्स के बारे में देख लेते हैं जो सभी बच्चों के पास है। तो सबसे पहले 6 तारीख को पेपर है जो कि हमारा इंग्लिश का है। ठीक है, उसके बाद 10 तारीख को पेपर है जो कि हिंदी का है। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम 10:30 से एग्ज़ाम होगा और 1:30 तक चलेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं 12 तारीख को हमारा पंजाबी का है। ठीक है, 13 तारीख को उर्दू का है। ठीक है, और 15 तारीख को हमारा जो मेन है साइंस का पेपर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पेंटिंग लिया तो 17 को है। ये सभी के सभी मई में एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, अगर म्यूजिक वगैरह है तो 19 को है, और अगर होम साइंस की बात करें तो 20 को है। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ 21 को है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे मेन मेन, और भी होंगे जो अभी मेन मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने स्लो स्लो कर रखा है, अगर आपके पास और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चेक कर सकते हैं कि कौन सा। अब बात करते हैं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस 27 मई को है। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमारा अगर मान ले तो किसी ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो 29 को है। उसके बाद किसी के पास अगर रिटेल वगैरह है तो 31 मई को है 2021 में। ठीक है, टाइमिंग सभी एग्जाम्स के सेम है, कोड लिखे हुए हैं, आप मैच करके अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं एडमिट कार्ड से। ठीक है, और 2 जून की बात करें तो 2 जून में हमारा संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन का ले रखा तो 7 जून का है। तो ये लास्ट एग्जाम थे बस यहाँ तक। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं इसको कुछ मेन मेन हेडिंग्स। ठीक है, पहली बात जो डेट शीट पे टाइमिंग होगा ईच पेपर का वो इंडिकेट होगा। ठीक है, और आपको पेपर जो आंसर शीट है वो आपको 10 बजे ही मिल जाएगा, 15 मिनट मतलब आधे घंटे पहले ही, ताकि आप उस पर नाम वगैरह भर सको, फिल कर सको, और जो वहाँ का एग्जामिनर होगा उससे आप चेक करवा सकते हो, मतलब साइन करवा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 पे मिल जाएगा, मतलब 15 मिनट पहले, वो 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद 10:30 पे आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेट शीट ओवरऑल। तो अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग।